नमस्कार, कैब फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। आइए, आज एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो आपको यूजफुल होगा उन एसएससी के लिए, उन करदाताओं के लिए या उन बिजनेसमैन के लिए जो अपना रिकॉर्ड टैली में मेंटेन करना चाहते हैं, या उन प्रोफेशनल के लिए जो अभी बिगनर हैं और जिन्होंने अकाउंटेंसी में अपना कैरियर स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट से शुरू करेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से, कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली में अकाउंट्स क्रिएट करने से लेकर जो बेसिक नॉर्मल बातें हैं जिससे आपका काम चल जाएगा, बहुत एडवांस लेवल की बातें नहीं करेंगे, जिससे आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, वो यहाँ पे देखेंगे। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से। आइए, आपके सामने जो स्क्रीन है, देखिए, जब टैली को ओपन करेंगे आप, तो इसमें इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा स्टार्ट में, है ना। तो आप इसमें सबसे पहले हम एक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। कोई भी बिजनेस से स्टार्ट होगा, कोई भी लेजर स्टार्ट करेंगे आप, तो यहाँ से हम एक बार क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। यहाँ पे हाईलाइटेड हो रखा है, क्रिएट कंपनी पे हम जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हमको मिलेगा। वहाँ पे जो भी हमारे बिजनेस का नेम है वो सबसे पहले हम डालेंगे। चलिए, तो हम फॉर एग्जाम्पल हम ये नाम लेके चलते हैं। चलिए, एक कंपनी है जिसका नाम है गैप फाइनेंशियल सर्विसेस। क्लियर है? तो नाम आ गया, इसका एड्रेस भी डाल देंगे। चलिए लिख लेते हैं, कैनरा बैंक बिल्डिंग, बैंक रोड, मोतिहारी ईस्ट चंपारण, इंडिया। ठीक है, चलिए स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए ड्रॉप डाउन से, पिन कोड डाल दीजिए, फोन नंबर है, जो भी आपका फोन नंबर है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 0 62 52 जो भी 1 2 3 4 5 6। अगर आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को डालेंगे, जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। फैक्स नंबर है तो डाल सकते हैं, ईमेल है तो वो भी डाल लीजिए, abc@gmail.com। वेबसाइट है वो डाल दीजिए। कब से आप बुक्स को स्टार्ट करना चाहते हैं लिखना, वो यहाँ पे आएगा। अगर आप पिछले साल का लिखना चाहते हैं तो उसका लिख सकते हैं। अभी मान लेते हम करेंट ईयर में ही है, 1/24 से बुक्स कब से स्टार्ट हो रहा है आपका। अगर आप कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो लगाइए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए इसको। चलिए, ऐसा करने के बाद कुछ आपके पास प्रोसेसिंग करेगा टैली और ये अकाउंट्स ओपन होकर चला आएगा। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से ये आपका कंपनी सेलेक्ट हो गया है, और ये ध्यान से देखिए, आपका 1/4/2020 से 31/3/2021 यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। तो आइए, कुछ ऐसा गेटवे ऑफ टैली आपके पास ओपन होकर आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं टैली खुद इटसेल्फ ये कौन कौन सा लेजर को क्रिएट करके रखता है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से आप देख सकते हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन कौन लेजर आपके पास हैं एक बार डिस्प्ले में देख सकते हैं। कैसे आएंगे, फिर से एक बार गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे एंटर दबाएंगे, फिर आप ड्रॉप डाउन से लेजर को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप फिर एरो की से डिस्प्ले पे जाएंगे, और ये देखिए, टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का लेजर बाय डिफॉल्ट बना रहता है। क्लियर है? तो ये लेजर को हमको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमको अकाउंट्स का सेटिंग करना पड़ेगा कि हम इस अकाउंट्स में क्या इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहते हैं या केवल अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं। तो चलिए, हम फीचर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको सेट करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा साइड में F11 या फीचर्स करके बटन है, आप F11 को भी प्रेस कर सकते हो। आप अपने कीबोर्ड में F11 प्रेस करोगे तो भी आ जाएगा, या आप जाके वहाँ पे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं तो ये आ जाएगा। देखिए, इसमें आ रहा है हमारे सामने अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टेचुटरी एंड टैक्सेशन फीचर, एड ऑन फीचर। चलिए, तो अकाउंटिंग फीचर्स को हम एक बार डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हमारे सामने आएगी।
अकाउंटिंग फीचर्स देखिए, आपके पास जैसे ही उस पर एंटर बटन दबाएंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। पहला ही आइटम है वो दे रहा है आपको, बोल रहा है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टॉक को जैसे ही इसको यस प्रेस करोगे, आपका ये हो जाएगा कि आपका इन्वेंट्री स्टॉक आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो हम अभी 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि आपको स्टॉक भी मेंटेन करना है, ठीक है। बाकी ये सारा चीज़ आप देखिए, जो इसमें से धीरे धीरे यूज करते जाओगे आपको पता चलते जाएगा। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्लियर। चलिए मेन जो है हमारे पास जो तो सेटिंग का है फर्स्ट टाइम के लिए, वो है स्टैचरी एंड टैक्सेशन का सेट करना, क्योंकि इसमें अगर आप जीएसटी होल्डर हैं तो जीएसटी का सेटिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अभी तक इसमें जीएसटी का ऑप्शंस आया हुआ है और सेटिंग है नो पे। तो अगर आपका जीएसटी है रजिस्टर्ड इस फॉर्म में तो आप जीएसटी को डालोगे। इसके लिए करना पड़ेगा वाई बटन प्रेस करेंगे हम, जैसे ही वाई करेंगे तो नीचे आएगा और इसको पूछेगा कि सेट करना है, तो इसको भी वाई आप प्रेस करिए, एंटर मारिए। देखिए यहाँ पे आ गया, बिहार आ गया, रेगुलर आ गया, जो भी है आप अपना जीएसटी नंबर डाल दीजिए, जो भी है 10 ABCDE1234F1Z7, ऐसा करके आपका जो एक्चुअल में होगा, मैंने यहाँ पे डमी डाल दिया हुआ है, ये आपका जीएसटी नंबर, ये पूछेगा कि चेक कर लीजिए। आपका जीएसटी रिटर्न मंथली है क्वार्टरली है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं मंथली है मेरा। ईवे बिल का ऑप्शन आएगा वो भी पूछ लेगा, आप 50,000 का लिमिट है सरकार द्वारा, यहाँ पे आ रहा है। चलिए इसको एंटर मारिए, एंटर मारिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वैट का भी आ रहा है ऑप्शन, तो आज के ज़माने में वैट नहीं है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। चलिए सर्विस टैक्स भी नहीं है, ये भी खत्म कर देते हैं। मान लेते हैं टीडीएस भी टीसीएस अभी नहीं है, सबको स्किप करके हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ से आप कहीं पे भी हो और वहाँ से आपको बैक जाना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर में आपको ESC बटन है, एस्केप बटन, वहाँ से आप एक बार प्रेस करोगे तो एक स्टेप पीछे आप चले जाओगे, ठीक है। अब एक बार और प्रेस करोगे तो ये पूछेगा बंद करना है टैली, तो अभी हमको बंद नहीं करना है तो फिर से हम एस्केप कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो बात आ गया। अब रहा बात, सबसे बड़ी बात है हमको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने हैं, तो सबसे पहला अपने पास काम जो होगा वो होगा परचेज करना और सेल करना। तो उसके लिए हमको लेजर बनाना पड़ेगा। चलिए आइए एक एक लेजर को एग्जाम्पल के लिए हम बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए हम लेजर यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से भी बना सकते हैं या हम जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे वहाँ से भी बना सकते हैं। चलिए तो हम अकाउंटिंग वाउचर से ही करते हैं कोशिश। आइए सेलेक्ट करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स को और उस पर प्रेस करते हैं हम एंटर बटन को, तो कुछ ऐसा खुलेगा। अब ये मेनू है, थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट खुल रहा है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे आ रहा है आपके पास मेनू बहुत सारा। देखिए एक बार ये अभी आ रहा है यहाँ पे हाईलाइट होके, ये पेमेंट वाउचर है। बहुत सारे वाउचर होते हैं, पेमेंट का मतलब ही है आप किसी को पे करोगे उसका एंट्री, आप रिसीट्स भी कर सकते हो। सबके लिए शॉर्टकट की है, जैसे पेमेंट वाउचर आप अपने कीबोर्ड में F5 बटन दबाओगे तो आपका पेमेंट आ जाएगा, F6 बटन दबाओगे तो रिसीट्स आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद अगर आप F7 दबाओगे तो जर्नल आ जाएगा, F8 अगर बटन दबाओगे तो आपका सेल आ जाएगा और F9 दबाओगे तो आपके पास परचेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है, और एक और काम, F2 बटन से आपका डेट चेंज होगा। जैसे आपका डेट अभी 1 अप्रैल 2020 दिखा रहा है, अगर आपको डेट चेंज करना है 2 तारीख, तो F2 बटन दबाओगे तो आपका डेट चेंज हो जाएगा। अभी हम 1 अप्रैल का ही ले लेते हैं, 1/4/2020, क्लियर है। चलिए अब परचेज होगा, तो कोई भी आप सामान खरीदते हो तो आपके पास जहाँ से सामान खरीद के लाते हैं आपके पास इनवॉइस होता है, उस इनवॉइस के बेसिस पे उस इनवॉइस को आप सामने रखिए और आप एंट्री करिए। मान लेते हैं अब इनवॉइस आप लेके आए, उस इनवॉइस पे उसका नंबर होगा। मान लेते हैं कोई भी जिससे भी आपने सामान खरीदा है उसने नंबर दिया है, मान लेते हैं 525 इनवॉइस नंबर, और डेट वो है। चलिए यहाँ पे आते हैं, अभी ये बिल्कुल टैली ब्लैंक है।
अभी तक इसको मालूम नहीं है कि आपने किससे सामान खरीदा है। मान लेते हैं आपने कोई दुकान वाले से सामान खरीदा है, उस केस में आपको क्या करना है। चलिए तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ, अपने कीबोर्ड में ऑल्ट बटन के साथ आप सी को प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस सी। ऑल्ट प्लस सी का मतलब ये हुआ ऑल्ट के साथ प्रेस करके रख के आपको सी बटन प्रेस करना है, ऐसा एक खुल के आएगा। मान लेते हैं जिस भी पार्टी से आपने सामान खरीदा है उस पार्टी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। चलिए जी नाम लिखते हैं, तो नाम कैसे आएगा, जो भी उसका नाम होगा, मान लेते हैं ए बी सी ट्रेडर्स, ठीक है, लिख लिया। अब जिससे आप सामान खरीदोगे वो आपका महाजन है, तो महाजन को हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। चलिए पूछ रहा है मेंटेन बिल वाइज करना है, यस कर लेते हैं। तो एड्रेस कहाँ है, मान लेते हैं इसका एड्रेस है बलुआ बाजार मोतिहारी, जिससे आपने सामान खरीदा है। चलिए कहीं का भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे डाल दिया। चलिए उसका जीएसटी नंबर मालूम है तो वो भी लिख लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी है जो उसके बिल पे प्रिंट भी होगा, एक्स वाई जेड 1 2 3 4, Z1 Z7 कुछ भी, जो भी उसका एक्चुअल जीएसटी नंबर है वहाँ पे आप डाल दीजिए। ये एक्सेप्ट कर लेंगे आप, तो जैसे ही एक्सेप्ट करोगे आप लेजर सेलेक्ट होकर आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि आपको करना क्या है, ये है परचेज है तो परचेज का लेजर सेल बनाना होगा, फिर से ऑल्ट प्लस सी। ये सब पहली बार हम करेंगे, दूसरी बार जब करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ गया रहेगा, तो पहली बार कर रहे हैं। चलिए परचेज का बना लेते हैं, परचेज PURCHASES परचेज, जीएसटी परचेज है तो जीएसटी में लिख लेते हैं। अब परचेज के लिए सेलेक्ट करना है आपको परचेज अकाउंट, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, चलिए ये अप्लीकेबल है, इसको ऐसे ही गुड्स पे सेलेक्ट करिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आपके सामने दो लेजर आपने बनाए हैं, एक एबीसी ट्रेडर्स, दूसरा परचेज जीएसटी का। अब चलिए आइटम लेते हैं, मान लेते हैं जो भी आइटम आपने खरीदा है, मान लेते हैं हम कोई भी सामान में डील कर रहे हैं जो बिल पे आपका नाम होगा, मान लेते हैं कि हम कोई किराना शॉप का ही बात करते हैं, तो मान लेते हैं अभी मस्टर्ड ऑयल है, तो यहाँ पे फिर से आपको ऑल्ट प्लस सी बटन दबाना है, तो अब आइटम खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आइटम का लिखिए, मान लेते हैं धारा धारा वायल मस्टर्ड वायल, मस्टर्ड वायल धारा का तेल आपने काम किया है ना, प्राइमरी सेलेक्ट कीजिए। अब ये कैसे आएगा, लीटर में है क्या है, फिर से यहाँ पे ऑल्ट सी बटन दबाइए, पूछेगा सिंबल LTR, तेल है तो लीटर में काम करोगे, लीटर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप, लीटर चलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 को सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब जीएसटी इस पे अप्लीकेबल है, यस, तो यहाँ से आप डालिए यस बटन प्रेस करिए और यहाँ पे आइए इसका नाम डालिए जो भी है, तो वायल है तो आप धारा मस्टर्ड वायल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। HSN कोड होता है, आप जो भी उसमें बिल में लिखा होगा, मान लेते हैं मैं एग्जाम्पल के लिए डाल लेते हैं HSN कोड, वैल्यू पे होगा टैक्स लाइबिलिटी, क्या ये टैक्सेबल है, इस पर टैक्स लगता है तो टैक्स लगता है, हाँ जी इस पर लगता है, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, कितना रेट है तो 5%, मान लेते हैं 5% है तो अपने आप सी जी एस टी एस जी एस टी 2.5% 2.5% आपके पास आ गया है, गुड्स है, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब आपके पास कितना क्वांटिटी खरीदा है आपने वो देखिए, क्वांटिटी मान लेते हैं हमने 100 लीटर खरीदा है, रेट लगाया था दुकान वालों ने मुझे 100 रुपया के हिसाब से पर लीटर, तो ये दाम हो गया 10,000 का। चलिए एक तो ये काम खरीद लिया मैंने, मान लेते हैं एक और भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं इंजन वायल खरीद लेते हैं, इंजन वायल को सेलेक्ट कर लें, देखिए लीटर पहले अपने बना लिया है हमने, तो लीटर आ गया ऑलरेडी, गुड्स ऑन सर्विस टैक्स को यस कर देते हैं, हाँ जी इंजन वायल मैंने खरीदा,
वैल्यू पे टैक्सेबल है, टैक्स लगा दीजिए इस पे 5%, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। ठीक है, मान लेते हैं ये हमने 50 लीटर खरीदा, इसका दाम है 105 रुपये पर लीटर, ये आ गया। अब यहाँ तक हो गया आपका बिल पे, बिल से आपने ले लिया। अब इस पे GST लगाना है, तो आप फिर से यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट प्लस सी बटन के साथ, क्लियर है। और हमारे पास दो तरीके के GST होगा, तो पहला का नाम है CGST, तो CGST है ना, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस में इसको सेलेक्ट कर लोगे आप, ऊपर सेलेक्ट करके एरो से GST लगा लोगे। अब GST है तो CGST सेंट्रल टैक्स है, तो सेंट्रल सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेटर ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि वो स्टॉक आइटम से उठाएगा। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट कर लीजिए 2.5% ये GST कैलकुलेट कर दिया। वैसे ही एक और लेजर क्रिएट करेंगे SGST, इसको भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखेंगे हम GST। अब ये स्टेट का है तो स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर है। आ गया अपने पास, अगर कोई राउंडिंग है, अगर बिल में राउंडिंग ऑफ का ऑप्शन है तो एक लेयर क्रिएट करेंगे राउंड ऑफ को रख देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इस पे GST को कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, ध्यान से इस पे नॉट अप्लीकेबल कर देंगे हम। चलिए तो राउंडिंग ऑफ में क्या होगा 0.5%, ताकि पैसा तो अब चलता नहीं है, तो ये आपका बिल हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि आपने परचेज किया है, कहाँ से परचेज किया है हमने, ABC से वायर्ड, बिल नंबर जो भी आपका बिल नंबर है 500, एक अपना परचेज का एंट्री हो गया, क्लियर। चलिए अब परचेज जब आप कर लोगे तो आपको इसको सेल भी करना होगा। चलिए तो सेल के लिए हम दबाएंगे F8 बटन, F8, चलिए हमारा सेल स्टार्ट हो रहा है। चलिए हमारा बिल नंबर 1 है, हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। पार्टी नेम, अब किसको बेचोगे उसके लिए फिर से आप लेजर क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं हमने बेचा है XYZ को, XYZ इंटरप्राइजेज, XYZ इंटरप्राइजेज आपका, इसको अगर इसको आपने सामान बेचा है वो आपके लिए डेटर्स है, जिसको आप सामान बेचोगे वो डेटर्स होता है। बिल वाइज मेंटेन करिए, मान लेते हैं इनका एड्रेस है आधापुर ईस्ट चंपारण, पिन कोड 845301 का जो भी GST है 10, ए कुछ भी आप जो भी इनका GST है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब फिर से हमको सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। कोई भी लेजर आप क्रिएट करते हैं तो ऑल्ट प्लस सी आप दबाओगे, वहां पे वहीं से लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं सेल्स GST, तो कहाँ पे रखेंगे हम, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। चलिए उसको गुड्स पे सेलेक्ट करिए और इसको सेलेक्ट करिए। चलिए अब कौन सा आइटम बेचना है, अब आपके पास आइटम स्टॉक में है, अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने रानी धारा का मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, 100 लीटर अपने पास है, मान लेते हैं इसमें से मैंने 50 लीटर बेच दिया, कितने में बेचा, 100 में खरीदा था, मान लेते हैं 105 रुपये लीटर में बेच, ये दाम आ गया। फिर आपने इंजन ऑयल भी मान लेते हैं 50 लीटर खरीदा था, उसमें से 20 लीटर बेच दिया, रेट आपका मान लेते हैं 108 रुपया आ गया। अब इस पर आपको CGST लगाइए, SGST लगाइए, क्लियर। आपको अगर राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कर लीजिए 0.5 पैसा, ठीक है। चलिए सेल हमने कर दिया XYZ। अब आपने देखा कि कैसे हमने सेल्स और परचेज का एंट्री एक करके आपको बताया, कुछ ऐसी ही बातें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। आइए उससे पहले थोड़ा सा हम एक आपको रिपोर्ट भी बता देते हैं कैसा ये दिखता है। जब ये सारा एंट्री हो जाएगा आपके पास तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके गेटवे ऑफ टैली से रिपोर्ट में व्यू कर सकते हैं। आप F यहाँ से देखिए और खोल के देख सकते हैं आपके पास क्या सिचुएशन है, देख रहे हैं आप। चलिए तो
यहाँ पे आपके पास ये सारा सिचुएशन आपका बनेगा। तो चलिए फिर एक सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो में और सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये आपका मेरे पास ये जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ आपका कंप्लीट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको उतना रिकॉर्ड बनने के लिए आप एबल हो जाएंगे जितना से आपका रिकॉर्ड तैयार हो जाए, ताकि आपका कोई भी प्रोफेशनल हो जिनको आप डेटा को भेज सके ताकि आपका प्रॉपर GST रिटर्न फाइल हो सके। चलिए तो आज हम विदा लेते हैं। आज जय हिंद जय भारत।